बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो सिलोस थर्ड थ्योरम जो है उसको प्रूव करेंगे। तो प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने फर्स्ट और सेकंड थ्योरम जो है उनको प्रूव किया था, तो ये थर्ड थ्योरम जो है इसको हम आज प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करने से पहले ये जो है ये एक फॉर्मूला है कि पी जो है अगर सिलो पी सब ग्रुप हो then the number of silo p subgroup will be equal to this. Number of silo p subgroup जो है वो इसके equal होते हैं। तो ये statement है silo's third theorem की कि the number of silo p subgroup of G is of the form 1 plus kp where 1 plus kp divides order of G. तो इसे हम प्रूफ करते हैं। तो ये सिलोस थर्ड थ्योरम द नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप्स व्हिच इज डिनोटेड बाय एन पी इज इक्वल टू 1 प्लस के पी वेयर के ये जो एन पी है डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। दिस इज द सिलो थर्ड थ्योरम। ये हमें बता रहा है कि नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप जो है वो हमेशा इस तरह के होंगे, इस फॉर्म में होंगे। और फर्दर कंडीशन क्या है कि वो नंबर जो है वो एन पी जो है वो दिस मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। तो ये जो है ये डिवाइड भी करें। तो इससे पहले हम एग्जांपल से समझते हैं इसकी स्टेटमेंट को। फॉर एग्जांपल अगेन जो है वो मैं एस थ्री की ही एग्जांपल लूँ, या इससे पहले ये ग्रुप जो है वो ऑर्डर सिक्स है। देखें इसको टू भी लिख सकते हैं और थ्री भी लिख सकते हैं, ये इसकी फाइव फैक्टराइजेशन है। तो आप अगर रिकॉल करें, क्योंकि ये नॉन एबिलियन ग्रुप है, इसका ऑर्डर सिक्स है, तो जी क्या होगा, या तो फिर आइसोमार्फिक है जी सिक्स के, या फिर ये जी जो है वो एस थ्री है। ठीक है, तो अगर हम ये देखें तो अब ये हमें पता है, अब ये जो आप इसमें से अगर एन टू निकाल ले, ठीक है, अगर आप एन टू सिलो टू सब ग्रुप तो एग्जिस्ट करता है, तो एन टू किस तरह का होगा, दिस विल बी ऑफ द फॉर्म 1 प्लस 2 के। ठीक है, और वेर और के जो है वो कोई पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तब देखें के की वैल्यू अगर आप जीरो पुट करते हैं, ठीक, तो एन टू की वैल्यू क्या होगी, 1, और ऑब्वियस 1 जो है वो 6 को डिवाइड करता है, तो ये पॉसिबिलिटी है। इसके बाद के की वैल्यू 1 भी हो सकती है, एन टू की वैल्यू के की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। हमने देखना कि क्या एन टू 3 हो सकता है, तो उसके लिए पहले क्या देखना होगा कि क्या 3 6 को डिवाइड करता है, जी करता है। इसका मतलब 1 भी पॉसिबल है और 3 भी पॉसिबल है। तो जब आप k की वैल्यू 2 रखेंगे तो अब ये 5 हो गया, तो n2 इज इक्वल टू 5 और 5 डज नॉट डिवाइड टू 6। तो इट मीन कि n2 की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो फिर वो 1 हो सकती है या फिर वो 3 हो सकती है। मतलब क्या है कि सिलो 2 सब ग्रुप्स जो है या तो 1 होगा या फिर वो 3 होंगे। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आप किस ग्रुप में। अगर तो आप Z6 में हैं तो नंबर ऑफ सिलो 2 सब ग्रुप सिर्फ 1 ही होगा। ठीक है, और अगर आप, क्योंकि ग्रुप ऑर्डर 6 का S3 भी हो सकता है, तो अगर आप S3 में हैं तो सिलो 2 सब ग्रुप 3 होंगे। वो भी हमने हमने लास्ट टाइम देखा भी था कि जो इसमें जो ऑर्डर 2 के सब ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे सिलो 2 सब ग्रुप। इसी तरह से जब आप N3 निकालते हैं तो नंबर ऑफ सिलो 3 सब ग्रुप, तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 3 के। अब अगेन हम देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी, अगर के की वैल्यू 0 रखें तो n3 की वैल्यू 1 है, 1 हमेशा जाहिर है हर एलिमेंट को डिवाइड करेगा। अब के की वैल्यू 1 रखें तो n3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, 4 डज नॉट डिवाइड 6। तो उसके बाद के की वैल्यू 2 रखेंगे तो वैसे ही 7 आ जाएगा, 7 वैसे ही 6 से बड़ा है। तो इस केस में हमें ये पता चल गया कि n3 की वैल्यू सिर्फ 1 है। ठीक है, तो सिलो 3 सब ग्रुप जो है, द नंबर ऑफ सिलो 3 सब ग्रुप कितने हैं, उसका आंसर क्या है, 1। ठीक है, तो अगर ग्रुप ऑर्डर 6 का ले
तो उसमें सिलो थ्री सब ग्रुप कितने होंगे, सिर्फ एक ही होगा। जो मर्जी ग्रुप ले, चाहे ग्रुप Z6 ले ले, हर ग्रुप जिसका ऑर्डर 6 है उसका, उसमें सिलो थ्री सब ग्रुप हमेशा 1 होंगे। अब वो ग्रुप क्या हो सकता है, वो या Z6 हो सकता है या फिर वो S3 हो सकता है। तो दोनों में हमने ये देखा था, लेकिन सिलो टू सब ग्रुप जो है वो 1 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप कौन सा ग्रुप ले रहे हैं। अगर आप ग्रुप जो है वो Z6 ले लें, इसका भी तो ऑर्डर 6 ही है, इसमें सिलो टू सब ग्रुप यूनिक होगा, एक ही होगा। लेकिन अगर ये ले लें तो उस केस में हमारे पास 3 है। तो अब हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। तो लेट पी बी अ सिलो पी सब ग्रुप, आप जी ठीक है, ये पी जो है ये नंबर है और ये पी जो है वो सब ग्रुप के लिए नोटेशन है। तो इसका मतलब कि ये जो पी है इसका ऑर्डर जो है वो से के पी रेज टू पावर एन है, सच दैट कि इसकी जो नेक्स्ट पावर है पी एन प्लस 1 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। तो लास्ट टाइम हमने ये डबल को सेट्स किए थे और हमने ये वहां पर बताया था कि ये जो डबल को सेट्स है ये पार्टीशन करते हैं ग्रुप्स की। तो इट मीन कि ये जो जी है दिस इज इक्वल टू पी एक्स पी, तो हमने ये पी जो है वो सेम ही रख लिया है। तो ये वेर एक्स क्या है वो जी की एलिमेंट, तो ये डबल कोसेट्स पार्टीशन, ये पार्टीशन करते हैं दी ग्रुप। प्रूव किया था कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है और हर इक्विवेलेंस क्लास असल में उस डबल कोसेट के इक्वल होती है। तो ये क्योंकि डिसजॉइंट भी होते हैं तो इसका मतलब जी का जो ऑर्डर है दिस विल बी इक्वल टू दिस सम। बल्कि हम जो है इससे पहले इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि ये जो एलिमेंट है हमारे पास वो दो तरह के होंगे। यहां पर वो वाले एलिमेंट जो कि पी के नॉर्मलाइजर में है और वो वाले एलिमेंट जो कि पी के नॉर्मलाइजर में नहीं है। ठीक है, और यहां पर जो है वो वाले हैं जो कि पी के नॉर्मलाइजर में नहीं है। ये हमारे पास जी जो है इसको, क्योंकि ये एक्स जो है ये जी का एलिमेंट है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि वो पी के नॉर्मलाइजर में भी हो। और वेयर रिकॉल के नॉर्मलाइजर क्या होता है, नॉर्मलाइजर इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ जी विच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट विच विच कम्यूट विद द सेट पी। तो ये इसके इक्वल, तो ये नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन है। तो इसका मतलब अगर एक्स जो है वो, अब हम इसको अलग देखते हैं कि ये चीज किसके इक्वल है और इसी तरह से ये चीज किसके इक्वल है, और फिर वैल्यूज जो है वो यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो एक्स जो है अगर नॉर्मलाइजर ऑफ पी में है तो इसका मतलब ये है कि एक्स पी इज इक्वल टू पी एक्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये पी ग्रुप को पी ग्रुप को ये जो सब ग्रुप पी है इसको पी से मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यूज रिप्लेस करें, तो ये पी एक्स किसके इक्वल है, एक्स पी के। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं और पी इंटू पी पी के ही इक्वल होगा। तो इसका मतलब पी एक्स विल बी इक्वल टू पी एक्स पी, बिकॉज पी जो है और पी को मल्टी, क्योंकि सब ग्रुप है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोबारा से वही रिप्लेस हो जाए। अब ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब अगर ये वैल्यूज यहां पर रिप्लेस कर दें तो ये जो हमारे पास वैल्यू है ये जो यूनियन, अब ये जो यूनियन हमने कहा दोनों साइड्स को हमने एवेलुएट करना है, यूनियन पी एक्स पी एंड एक्स बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ पी, दिस विल बी इक्वल टू यूनियन एक्स बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ पी। और
ये चीज जो है दिस विल बी इक्वल टू पी एक्स। तो ये फिर सारे का सारा जो है वो हमारे पास नॉर्मलाइजर आ जाए, ठीक है जी। तो इसमें सारे के सारे एलिमेंट है अब नॉर्मलाइजर में। अब देखिए ये क्या है, एक्स बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ पी, तो ये जो है सारे का सारा नॉर्मलाइजर। तो जो भी एलिमेंट अगर आप एक्स नॉर्मलाइजर ऑफ पी में से लेते हैं तो उसके साथ पी को मल्टीप्लाई कर दे, तो सारे एलिमेंट्स का यूनियन जब निकालेंगे, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एलिमेंट है, देखिए ये अगर एक्स सपोज के एलिमेंट एक्स वन है, इसे पी से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यूनियन एक्स टू इंटू पी, ठीक। तो ये सारे एलिमेंट जो है नॉर्मलाइजर के हैं, पी इसका सब ग्रुप है, तो ये सारा जो है वो इक्वल आ जाएगा नॉर्मलाइजर ऑफ पी। तो हमने जो एक साइड है वो उसे हमने अवेलुएट कर लिया कि ये चीज नॉर्मलाइजर ऑफ पी के इक्वल। अब हम इसको देखते हैं, तो इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ पी, तो उस केस में इसका मतलब है कि पी एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स पी, ये इसके साथ कम्यूट नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स पी एक्स इनवर्स इज नॉट इक्वल टू पी, तो ये दोनों डिफरेंट, ये पी और उसका कॉन्जुगेट इक्वल नहीं है। तो ऑर्डर होगा, ये जो हमारे पास सब ग्रुप है पी इंटरसेक्शन एक्स पी एक्स इनवर्स, जो जैसे हमने सिल्लो सेकंड थ्योरम में देखा था, ये जो है ये जो ग्रुप है पी इंटरसेक्शन एक्स पी एक्स इनवर्स, दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ पी, ठीक है। इसका मतलब इसका ऑर्डर जो है, और पी का ऑर्डर क्या है, पी का ऑर्डर जो है वो पी रेज टू पावर एन है, तो फिर इसका ऑर्डर भी पी के ऑर्डर को पी इस सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, तो इसका ऑर्डर से के वो पी रेज टू पावर एम, वेयर एम इज लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है। क्योंकि ये जो पी है इसका ऑर्डर पी रेज टू पावर एन, तो प्राइम का कोई पावर है, इसके डिवाइजर भी इसी तरह के होंगे। अब अगर हम ये चेक करें ये वैल्यूज जो है, तो ऑर्डर ऑफ पी एक्स पी जो है, अगर हमने ये जैसे हमने वहां पर निकाला था पी एक्स पी, दिस विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ पी इनटू ऑर्डर ऑफ पी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ पी इंटरसेक्शन, ये फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम डेवलप किया था, इसमें वैल्यूज रिप्लेस कर दें तो ये पी रेज टू पावर टू एन माइनस एम आ जाए। तो ये जो चीज है दिस विल बी इक्वल टू पी रेज टू पावर टू एन माइनस एम, तो ये इसका मतलब हमने ये भी इवेलुएट कर लिया और ये भी इवेलुएट कर लिया। अब ये जो वैल्यूज हैं, अब अगर आप इस इक्वेशन में रिप्लेस करें इक्वेशन नंबर वन में, तो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन जो जी का ऑर्डर है, दिस विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी, ठीक है। ये अभी जो हमने निकाला, ये जो चीज है ये किसके इक्वल होगी, ये दिस होल थिंग इज इक्वल टू नॉर्मलाइजर ऑफ पी। तो जब आप g का ऑर्डर निकालेंगे तो कैसे, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा और प्लस प्लस इन सब ग्रुप का ऑर्डर, तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर ऑफ दिस प्लस सम ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच डज नॉट बिलोंग्स टू द नॉर्मलाइजर ऑफ p, और ये सारे के सारे जो है ये इस फॉर्म के थे पी एक्स पी, और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, पी रेज टू पावर टू एन माइनस एम। और ये हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं कि ये जो है पी एन प्लस, सिलो सेकंड थ्योरम में हमने ये देखा था कि दिस इज अ मल्टीपल ऑफ, इसको हम अगेन उसी तरह से अगर देखें तो ऐसे लिख सकते हैं पी एन प्लस वन, ठीक है। तो इस नंबर को, ये नंबर जो है पी एन प्लस वन इंटू सम मल्टीपल ऑफ ये है, और इसको हम कह सकते हैं, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी है, दिस विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी प्लस समेशन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ पी, और ये जो सब ग्रुप थे दिस विल बी इक्वल टू पी
टू एन माइनस एम। अब नॉर्मलाइजर ऑफ पी से दोनों साइडों को डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास यहां पर वन आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा पी टू एन माइनस एम डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी। ये और नॉर्मलाइजर ऑफ ये जो है ये हर एक में कॉमन है तो ये आपके पास वन ओवर नॉर्मलाइजर ऑफ पी आ जाएगा। और बाकी जो समेशन है दिस इज द मल्टीपल ऑफ पी, बाकी जो समेशन है टू एन माइनस एम तो दिस इज द मल्टीपल ऑफ पी एन प्लस वन, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वन ओवर नॉर्मलाइजर ऑफ पी ऑर्डर ऑफ, और ये जो है पी एन प्लस वन का मल्टीपल है तो पी एन प्लस वन का मल्टीपल है तो इसको हम टी कह देते इंटू टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई कि ऑर्डर ऑफ जी ओवर ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी इज इक्वल टू दिस। और दायर ये जो चीज है ये इंडेक्स है, दिस इज द इंडेक्स, तो ये इंटीजर होगा। लेफ्ट हैंड साइड जो है ये असल में क्या है, दिस इज इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी, इंडेक्स दायर एक इंटीजर होगा तो दिस इज एन इंटीजर, ठीक है, फ्रैक्शन नहीं होगी, ये इंटीजर है तो फिर ये भी इंटीजर है। तो इट मीन के हमारे पास ये जो नंबर है पी एन प्लस वन इंटू टी ओवर ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी दिस इज एन इंटीजर, ठीक है, क्योंकि ये साइड इंटीजर है तो ये भी इंटीजर है, वन भी इंटीजर है तो ये भी इंटीजर हो, तो ये इंटीजर है तो से कि इस इंटीजर का नाम हम आर रख लें, तो यहां से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी कि पी एन प्लस वन इंटू टी इज इक्वल टू आर इंटू नॉर्मलाइजर ऑफ पी। और इस इक्वेशन का नाम जो है वो हम टू रख लेते हैं। अब ये नॉर्मलाइजर ऑफ पी जो है इसका हम ऑर्डर निकालते हैं, तो ये हमें पता है कि पी जो है वो सब ग्रुप है नॉर्मलाइजर ऑफ पी का, तो दिस इंप्लाइज पी का जो ऑर्डर है, क्योंकि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो दिस इंप्लाइज के ये जो सब ग्रुप है इसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ये यहाँ पर इसका ये सब ग्रुप है तो इट मीन के ये इसको डिवाइड करेगा। और ऑर्डर ऑफ पी है क्या, ऑर्डर ऑफ पी जो है वो है पी रेस टू पावर एन, तो इसका मतलब पी एन जो है इसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा, तो इट मीन के जो नॉर्मलाइजर ऑफ पी है इसका ऑर्डर क्या होगा, वो पी रेस टू पावर एन इंटू सम एलिमेंट यू। तो ये जो वैल्यूज है ये अगर हम इस इक्वेशन नंबर थ्री में रिप्लेस कर दें तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन नंबर थ्री इंप्लाइज पी एन प्लस वन इंटू टी इज इक्वल टू आर इंटू, ये इक्वेशन नंबर टी में ये था एन ऑफ पी, यहां पर ये वैल्यू रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा पी एन इंटू यू, तो ये आ जाएगा पी एन, पी एन से कैंसिल हो जाएगा तो दिस विल बी पी टी इज इक्वल टू आर और ये यू, ये हमारे पास आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज कि पी जो है ये पी प्राइम नंबर है, तो दिस इंप्लाइज पी जो है वो डिवाइड कर रहा है आर यू, क्योंकि ये उसका मल्टीपल है तो पी डिवाइड्स आर यू। तो अब पी ये प्राइम नंबर है, ये दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो फिर उनमें से किसी एक को जरूर डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब इधर पी डिवाइड्स आर, आर पी डिवाइड्स यू, तो अगर पी जो है वो डिवाइड करे से इस इक्वेशन को हम फोर कह लें, अगर तो पी जो है वो डिवाइड करता है यू को तो दिस इंप्लाइज पी एन प्लस वन, ठीक है, तो पी एन प्लस वन जो है ये किसके इक्वल है, ये है पी एन इंटू पी, तो पी एन जो है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी को,
और यू भी करता है उसको, तो इट मीन के पी एन प्लस वन जो है डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी को, ठीक है। ओके, बाय दिस पी एन जो है ये नॉर्मलाइजर ऑफ पी के ऑर्डर को डिवाइड करता है, यू भी करता है, तो इट मीन दोनों का प्रोडक्ट भी करेगा और ये प्रोडक्ट पी एन प्लस वन के इक्वल। और नॉर्मलाइजर ऑफ पी क्या है, ये जी का सब ग्रुप है, तो फिर उसके ऑर्डर को भी डिवाइड करेगा। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये पी एन प्लस वन डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हमने जो ग्रुप लिया हुआ है वो सिलो पी सब ग्रुप है, और सिलो पी सब ग्रुप में पी एन प्लस वन डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। तो ये फिर कॉन्ट्रोडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि पी डिवाइड्स यू, तो इट मीन कि पी डज नॉट डिवाइड यू, तो दिस इम्प्लाइज पी डज नॉट डिवाइड यू। तो फिर पी अगर यू को डिवाइड नहीं करता तो इट मीन के पी जो है वो आर को डिवाइड करेगा, ये हमारे पास पी अगर डिवाइड करता है आर यू को, इट मीन कि ये इन दोनों में से किसी एक को करेगा, लेकिन यू को नहीं करता तो इट मीन के पी जो है वो आर को डिवाइड करता है। फॉर इक्वेशन नंबर 4 से हम ये अगर लिखें, सो इक्वेशन नंबर 4 जो है इम्प्लाइज, इक्वेशन नंबर 4 क्या थी कि पी टी इज इक्वल टू आर यू, तो आप देखें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो पी तो इसको हम जो है वो ऐसे लिख सकते हैं ये पी को दोनों साइडों पे डिवाइड कर दे, तो दिस इज आर ओवर पी, क्योंकि ये पी प्राइम नंबर है, जीरो तो नहीं हो सकता। इसी तरह से ये जो है साइड ये बन जाएगी टी ओवर यू, क्योंकि पी आर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये इंटीजर होगा, तो दिस इंप्लाइज कि ये जो है इंटीजर होगा, ठीक है। तो अगर ये इंटीजर है तो इसका नाम के रख देते, तो दिस इंप्लाइज कि टी ओवर यू जो है दिस इज आल्सो एन इंटीजर, और यहां से जो टी की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी, और ये वैल्यूज जो है वो हम रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं ये रिप्लेस कर दें, तो यहाँ पर वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ जी ओवर ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी इज इक्वल टू 1 प्लस पी इंटू टी ओवर यू, और ये टी ओवर यू जो है ये के इक्वल है, तो दिस विल बी इक्वल टू के पी। तो ये जो है हमने प्रूव कर दिया, और ये चीज जो है दिस विल बी इक्वल टू, ये हमने प्रूव कर दिया कि ये इक्वेशन होल्ड करती है। तो क्योंकि हमने शुरू से में कहा था कि ये जो है नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी ओवर नॉर्मलाइजर ऑफ पी इक्वल होता है एन पी के इक्वल, विच इज द नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप्स, नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप के इक्वल है, तो हम यहां से हमने ये इक्वेशन डेवलप कर ली कि एन पी विल बी इक्वल टू 1 प्लस के पी। और 1 प्लस के पी जो है देखिए 1 प्लस के पी जो है ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी ओवर ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी किसके इक्वल है, 1 प्लस के पी इनटू ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी। तो दिस इंप्लाइज कि 1 प्लस के पी जो है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है। तो जी जो है 1 प्लस के पी जी का फैक्टर है, तो इसका मतलब ये उसे डिवाइड करता है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि एन पी जी नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप्स जो है वो 1 प्लस के पी की फॉर्म के होंगे, और ये जो 1 प्लस के पी है दिस मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, मतलब सारे नहीं वो वाले एन पी की वैल्यू जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो ये हमारा ये सिलो थर्ड थ्योरम था। तो इसमें हमने ये बताया है कि
सिलो थर्ड थ्योरम की मदद से हम नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप्स जो है वो निकाल सकते हैं। तो अगेन मैं रिपीट करूं तो फर्स्ट थ्योरम जो है वो एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है कि सिलो पी सब ग्रुप जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड थ्योरम हमें बताता है कि वो एक से ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनके दरमियान रिलेशनशिप है, और वो क्या है, वो के आपस में कॉन्जुगेट है। थर्ड थ्योरम हमें बताता है कि उनकी उनका नंबर क्या है। ठीक है, तो ये जो है वो थ्योरम्स थे तीन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। अगेन कोई क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ लीजिए।